सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप में दम नहीं, जो आप लोगों का दिखा दे। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। और यही सवाल जब हम लोग उठाते हैं कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, तो ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। कोई चाहता है कि आपका राइटे छीन दिया जाए, बीच में कितना मुहिम चला था कि मुसलमानों से जो है उनका वोटिंग का अधिकार छीन लो। अरे ऐसे कैसे छीन लीजिए? हमारी देश में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, यही तो हमारी देश की खूबसूरती है। हम मिलकर के हिंदुस्तानी कहलाते हैं, और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अलग धर्म का और क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे, किसी का अधिकार छीन ले? ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप में दम नहीं, जो आप लोगों का दिखा दे। हम लोग खड़े हैं, क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, दो लोग देश को बेच रहा है, दो लोग देश को खरीद रहा है। क्या हो रहा है देश में भाई? सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंडियन ऑयल, सब चीज जो है बेचा जा रहा है। क्या काम हो रहा है देश में? हर जगह बताइए, ये कर्नाटक का चुनाव था, जब हार रहे हैं तो उनको हनुमान जी याद आ रहे, हार रहे थे तो बोले, कभी हमने देखा नहीं ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री की कि वोट देने जाइए तो जय हनुमान बोल करके वोट दीजिए। बोले थे ना कर्नाटक का चुनाव, लग रहा था अब हार रहे हैं तो भाई कैसे पार करें, तो नफरत फैला, जहर बो, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, यही काम था। अरे उनको तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि वोट दें तो बेरोजगारी के नाम पे काम के आधार पर वोट देना चाहिए, असल जो मुद्दा है उसके नाम पे वोट दीजिए, तो ये बोलते हैं हनुमान जी के नाम पे वोट दीजिए। और हम रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिए कि हनुमान जी, बजरंग बली, मोदी जी अब भाजपा से नाराज है, पार नहीं लगेगा कर्नाटका का चुनाव। और आप देख लीजिए, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग यहां भी लोग कुछ ना कुछ कुछ कोशिश कर रहा था, बिहार शरीफ में हो या सासाराम में, क्या क्या कर रहे थे लोग, जहां जहां गृह मंत्री को जाना था उससे पहले ही, आने से पहले वहां दंगा फसाद करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, पुलिस प्रशासन को, कि सही समय रहते हुए चीज़ों को जो है कंट्रोल किया गया, और जो नुकसान होगा सरकार जो है बैक कर रही है,
तो हम लोग देखिए ये सब होने नहीं देंगे, और हम लोग चाहते हैं अगर हम सब लोग एक हो गए तो मोदी जी हो या और कोई हो, कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन आप लोगों से हम बस इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग भी अपने समाज में, अपने लोगों में, जो खास तौर पे नौजवान हैं जिनको कोई बाहर का आकर के धर्म के नाम पे उकसाने का प्रयास करता है, हम लोगों के खिलाफ दिन भर गाली देते हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, हम लोग तो लड़ रहे हैं तो हम लोगों पे छापा मारा जाता है, रेड पड़ाया जाता है। लेकिन इनकी जो बी पार्टी है, बी टीम जो है, ये कुछ बोलते लेकिन उन पे आज तक कोई मुकदमा, कोई छापा नहीं। ये असल में है क्या तालमेल? तो ये कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से कुछ हिंदुओं को बुलवाओ, कुछ मुसलमानों को बुलवाओ, इसी पे आधारित रखो। लेकिन आप सब लोगों से यही विनती है कि आप लोग सभी लोगों को एक रखने का काम कीजिएगा, किसी को भटकने मत दीजिएगा।